बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग अ बग्स लाइफ। कहानी की शुरुआत में हमें एक एंट आइलैंड को दिखाया जाता है जहां पर बहुत सारी एंट्स रहती हैं और इन सब को लीड करती है एक बूढ़ी क्वीन और उसकी बेटी जिसका नाम है प्रिंसेस एटा। इन एंट्स की जिंदगी में वैसे तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें से एक है वो ग्रास हूपर्स, जिन्हें हर गर्मियों में इन्हें बहुत सारा खाना देना पड़ता है और इनका जो लीडर होता है उसका नाम होता है हूपर। इन्हीं एंट्स की कॉलोनी में एक एंट को दिखाया जाता है जिसका नाम फ्लिक होता है। फ्लिक एक बहुत ही इनोवेटिव और बहुत ही ब्रेव एंट है। वो नई नई चीजों का आविष्कार करता है जिससे काम जल्दी किया जा सके, लेकिन फ्लिक की किस्मत उसका साथ नहीं देती। जब भी वो कोई अच्छा काम करने की कोशिश करता है तो कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाती है और अब वो पत्ते से एक टेलीस्कोप बनाता है जो प्रिंसेस एटा को दिखाता है, लेकिन उसे वो टेलीस्कोप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो उसे फेंक देती है। फ्लिक को ये देखकर बुरा लगता है, लेकिन तभी वहां पर प्रिंसेस एटा की छोटी बहन जिसका नाम डॉट है वो आती है और जब वो टेलीस्कोप देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। वो भागते हुए जाती है फ्लिक के पास और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारे टेलीस्कोप बहुत अच्छा लगा, एक ना एक दिन हम तुम्हारे इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज जरूर करेंगे। और अब यहाँ पर खतरे की घंटी बजना शुरू हो जाती है जिससे सभी एंट्स डर कर जमीन के नीचे अपने घर के अंदर चली जाती है। फ्लिक जिसके पास एक बहुत ही हैवी मशीन है जिससे वो खाना जल्दी जल्दी जमा करता है, उस मशीन की वजह से उसकी स्पीड बहुत कम होती है। वो उस जगह जाता है जहाँ पर चींटियों ने खाने का ढेर इकट्ठा कर रखा है और तभी अपनी हैवी मशीन की वजह से वहां पर वो गिर जाता है जिससे एक पत्थर खिसक जाता है और जितना भी खाना यहाँ पर एंट्स ने यानी कि चींटियों ने इकट्ठा किया था वो सारा का सारा पानी में बह जाता है। और अब यहाँ पर आते हैं ग्रास हूपर्स। दरअसल एंट्स और ग्रास हूपर्स के बीच में एक डील हुई है कि साल में एंट्स उन्हें दो बार बहुत सारा खाना देंगी जिसके बदले ग्रास हूपर उन्हें बड़े बड़े इंसेक्ट से बचाएंगे, पर अब सारा खाना बह चुका है इसीलिए हूपर अपने साथियों के साथ नीचे एंट्स की कॉलोनी में आ जाता है जहां पर वो एंट्स की रानी से कहता है कि तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया, तुमने इस बार हमें खाना नहीं दिया, इसीलिए अगली बार तुम्हें डबल खाना देना होगा। जब पेड़ का आखिरी पत्ता गिरेगा तब मैं यहां पर अपने साथियों के साथ खाना लेने के लिए आऊंगा और अगर तुमने हमें डबल खाना नहीं दिया तो मैं तुम्हारे इलाके पर तुम्हारी कॉलोनी पर हमला कर दूंगा और ना ही तुम्हें बड़े बड़े इंसेक्ट से बचाऊंगा। ओल्ड क्वीन कहती है कि ऐसा मत करो, बारिशें शुरू होने वाली हैं और अब तक हमने अपने लिए भी खाना जमा नहीं किया। लेकिन हूपर उसकी एक बात नहीं सुनता और धमकी देकर यहां से चला जाता है। अब यहाँ पर जो कुछ भी हुआ होता है इसके लिए फ्लिक को जिम्मेदार समझा जाता है। फ्लिक को रानी के सामने पेश किया जाता है जहाँ पर फ्लिक रानी को एक आइडिया देता है। वो कहता है कि हमें बड़े बग्स से मदद मांगनी चाहिए ताकि वो ग्रास ऊपर से हमारी जान बचा सके, पर इस काम के लिए इन्हें एंट कॉलोनी से बाहर जाना होगा, बाहर बहुत ज्यादा खतरा होता है इसीलिए कोई बाहर नहीं जाना चाहता, पर फ्लिक कहता है कि मैं जाऊंगा। वैसे भी एंट कॉलोनी में सब फ्लिक से परेशान होते हैं इसीलिए राजकुमारी एटा कहती है कि तुम जा सकते हो, तुम एक काम करो। दरअसल वो भी फ्लिक से छुटकारा चाहती है और अब फ्लिक अपने सफर की तैयारी कर चुका है। तभी उसके पास छोटी प्रिंसेस डॉट आती है और वो फ्लिक से कहती है कि मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब फ्लिक एक लंबा सफर तय करता है और वो बग्स के शहर पहुंच जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एडवांस होता है। दरअसल ये पूरा का पूरा शहर एक घर के नीचे बना हुआ है। यहाँ पहुंचने के बाद फ्लिक कई बग्स से मदद मांगता है लेकिन कोई उसकी बात सुनना भी नहीं चाहता। यहाँ पर बग्स का एक सर्कस भी होता है जो चल नहीं रहा होता इसीलिए वहां पर सभी इम्प्लॉयज को निकाल दिया जाता है, जिस वजह से सर्कस के सारे बग्स बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। और तभी इनके पास कुछ और बग्स आते हैं जो इन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं। इनकी आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है और ठीक उसी वक्त वहां पर फ्लिक आ जाता है। वो इन सब को लड़ते हुए देखता है। फ्लिक को लगता है कि ये सब योद्धा बग्स हैं। वो इनके पास आता और इनसे मदद मांगता है। सर्कस के इन एम्प्लॉयज को लगता है कि फ्लिक उन्हें कोई जॉब ऑफर कर रहा है इसीलिए वो उसकी बात सुने बगैर ही हाँ कर देते हैं और उसके साथ निकल पड़ते हैं। वहीं एंट कॉलोनी में दिखाया जाता है जो सब के सब ग्रास हूपर्स के लिए दिन रात मेहनत करके अब खाना जमा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दुगना खाना देना होगा। और तभी यहाँ पर फ्लिक अपने बग साथियों के साथ पहुंच जाता है। प्रिंसेस एटा फ्लिक से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और अभी तय करते हैं कि ग्रास हूपर्स से युद्ध करेंगे। रात को जश्न किया जाता है जहां पर बग्स को समझाया जाता है कि बहुत जल्दी इनके ऊपर ग्रास हूपर हमला करने वाले हैं और इन सबको उनसे युद्ध करना होगा जिसमें शायद इनकी जान भी चली जाए। और अब इन सर्कस के बग्स को समझ में आ चुका है कि इन्हें यहाँ पर फ्लिक क्यों लाया है। ये सब के सब डर जाते हैं, ये ग्रास हूपर से युद्ध नहीं करना चाहते क्योंकि इन सबको भी अपनी जान प्यारी होती है। इसीलिए एक बग फ्लिक के पास जाता
और उसके कान में कहता है कि हम कोई फाइटर बग्स नहीं है, बल्कि हम सर्कस में काम करते हैं और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। वो सब के सब वहाँ से जाने लगते हैं। फ्लिक भी उन्हें पकड़कर लटक जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना चाहता है। और जब बग्स देखते हैं कि फ्लिक उन्हें पकड़कर लटका हुआ है तो वो नीचे उतरकर उसे अपने पैर से अलग करने की कोशिश करते हैं और तभी इन्हें एहसास होता है कि ये एक बहुत ही खतरनाक जगह पर है। दरअसल यहाँ पर एक चिड़िया का घोंसला होता है और अगले पल वो चिड़िया यहाँ पर आ जाती है, वो इनके ऊपर हमला कर देती है। वहीं प्रिंसेस डॉट को दिखाया जाता है जिसने इन्हें जाते हुए देख लिया था और अब वो एक फूल पर लटक कर उड़ते हुए इन्हीं की तरफ आ रही होती है और बर्ड यानी कि चिड़िया उसे देख लेती है, वो उस पर हमला करने के लिए जाती है। डॉट उसे देख कर फूल छोड़ देती है और नीचे गिरने लगती है और तभी एक बग उसे बचा लेता है। ये दोनों जमीन के अंदर जो दरार होती है वहां पर गिर जाते हैं। बग इसमें जख्मी भी हो जाता है लेकिन बर्ड अब भी इनका पीछा नहीं छोड़ता, वो इन्हें खाना चाहता है। तभी फ्लिक अपना दिमाग लगाकर एक कैटरपिलर को बर्ड को दिखाता है जिससे उसका ध्यान उस तरफ आकर्षित हो जाता है और जब बर्ड उस तरफ आता है तो फ्लिक प्रिंसेस डॉट को और बग को वहां से लेकर एक झाड़ियों के पीछे छुप जाता है जिस पर कांटे होते हैं। बर्ड उन पर हमला करने की कोशिश करता है पर कांटों की वजह से वो उन तक नहीं पहुंच सकता और इस तरह से इन सब की जान बच जाती है। दूर से प्रिंसेस एटा सब कुछ दूरबीन से देख रही होती है और इनके इस साहस भरे काम से ये सब के सब एंट्स की नजरों में अब हीरो बन चुके हैं। इन सबको एंट कॉलोनी वापस लाया जाता है जहां पर उस बग का भी इलाज किया जाता है जो राजकुमारी डॉट को बचाते हुए जख्मी हो गया था। और अब प्रिंसेस एटा जल्दी रानी बनने वाली है और ग्रास ऊपर इनसे डबल खाना मांगने आने वाले हैं, इसीलिए वो बहुत चिंतित होती है। यहाँ पर फ्लिक को एक आइडिया आता है, वो कहता है क्यों ना हम एक नकली बर्ड बनाए और जब ग्रास ऊपर इनके ऊपर हमला करे तो उस नकली बर्ड से उन सबको यहाँ से भगा दिया जाए। राजकुमारी को उसका आइडिया अच्छा लगता है और अभी सब के सब एक नकली बर्ड बनाने की तैयारी करते हैं और जल्दी ये एक बहुत बड़ा बर्ड बना लेते हैं जिसे पेड़ के अंदर छुपा देते हैं। सारी एंट्स बहुत खुश होती है क्योंकि इन्होंने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है और रात को जब ये सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और तभी ये देखते हैं कि कुछ रोशनियां इनकी एंट कॉलोनी की तरफ आ रही है और अगले पल इनके सामने एक बग अपनी गाड़ी लेकर आ जाता है। ये वही सर्कस का ओनर है जिसने अपने बग्स को अपनी सर्कस की टीम को नौकरी से निकाल दिया था और अब वो चाहता है कि सारे बग्स दोबारा से सर्कस में आ जाए। और यहाँ पर सभी एंट्स को साथ ही राजकुमारी एटा को ये पता चल जाता है कि ये कोई योद्धा बग्स नहीं है बल्कि ये सर्कस में काम करने वाले हैं, जिससे राजकुमारी एटा को और सभी एंट्स को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है। इन सबको लगता है कि फ्लिक ने इन्हें धोखा दिया है, इसीलिए राजकुमारी एटा कहती है कि तुम यहां से चले जाओ। फ्लिक को यहां से निकाल दिया जाता है और इसके बाद राजकुमारी एटा सभी एंट्स को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द जितना ज्यादा खाना हो सके इकट्ठा करो क्योंकि बहुत जल्दी सीजन का आखिरी पत्ता गिर जाएगा, ग्रास होपर्स यहाँ पर आ जाएंगे, हमें उनके लिए खाना इकट्ठा करना होगा। और दिखाया जाता है कि सीजन का आखिरी पत्ता भी गिर जाता है और ग्रास होपर अब इनकी कॉलोनी तक पहुंच जाते हैं। ग्रास होपर्स का जो लीडर है जिसका नाम होपर है वो देखता है कि यहाँ पर खाना नहीं है, इस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है और वो एंट्स की कॉलोनी पर हमला कर देता है। यहाँ पर जो छोटी प्रिंसेस डॉट होती है वो एक ग्रास होपर की बातें सुन लेती है जिससे उसे पता चलता है कि ग्रास होपर बहुत जल्दी उनकी रानी को यानी कि उसकी मॉम को मार देगा। वो मदद के लिए फ्लिक के पास जाना चाहती है पर तभी एक ग्रास होपर उसके पीछे पड़ जाता है। वो भागते भागते एक चट्टान तक पहुंच जाती है, ग्रास होपर उसे नीचे से धक्का दे देता है, उसे लगता है कि वो मारी गई। पर अब यहां पर दिखाया जाता है कि राजकुमारी डॉट के पंख निकल आए हैं, वो उड़ने लगी है और वो उड़ के सीधा फ्लिक के पास पहुंच जाती है और उसे बताती है कि किस तरह से ग्रास होपर्स ने उनकी कॉलोनी पर हमला किया और साथ ही वो रानी को भी मारना चाहते हैं। फ्लिक को एहसास होता है कि ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है और अब वो रानी की जान बचाना चाहता है जिसमें उसके सर्कस के बग्स भी उसका साथ देना चाहते हैं, लेकिन सर्कस का जो ओनर है वो इन्हें जाने नहीं देगा, इसीलिए ये उसे बंदी बना लेते हैं और सर्कस की बस लेकर एंट कॉलोनी पहुंच जाते हैं जहां पर ये देखते हैं कि लीडर होपर ने क्वीन को और साथ ही राजकुमारी एटा को बंदी बना रखा है। फ्लिक अपने दोस्तों से कहता है कि तुम वहां पर जाओ और उन सबको सर्कस की कलाओं से एंटरटेन करो। सभी बग्स ऐसा ही करते हैं और जब सभी ग्रास होपर और उनका लीडर होपर परफॉर्मेंस देखने में बिजी होते हैं तो ये राजकुमारी एटा को और क्वीन को छुड़ा लेते हैं
और वहीं दूसरी तरफ फ्लिक को दिखाया जाता है जो पेड़ के ऊपर उस पक्षी उस बर्ड तक पहुंच जाता है जो इन्होंने ग्रास होपर्स को डराने के लिए बनाया है। और अब फ्लिक उस बर्ड के अंदर बैठकर इनके ऊपर हमला कर देता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। यहाँ पर जितनी भी एंट्स होती है, हालांकि उन्हें पता है कि ये एक नकली बर्ड है, लेकिन वो जानबूझकर डरने का बहाना कर रही होती है। और तभी एक ग्रास होपर उस बर्ड पर आग लगा देता है, जिससे बर्ड की सच्चाई का पता चल जाता है कि ये एक नकली बर्ड है। बर्ड के अंदर से फ्लिक बाहर निकलता है, जिसे देखकर होपर को बहुत गुस्सा आता है। वो फ्लिक को बहुत बुरी तरह से मारता है। दरअसल वो एंट्स के सामने फ्लिक को जान से मारना चाहता है, लेकिन फ्लिक बहुत ज्यादा बहादुर होता है और वो उसे धमकी देता है कि हम एंट्स में बहुत ज्यादा एकता होती है और अगर हम सब मिल जाए तो तुम सबका खात्मा कर सकती हैं। और तभी होपर एंट की पूरी सेना को देखता है। उसके दिल में हल्का सा डर पैदा हो जाता है, क्योंकि उसे एंट्स की एकता और ताकत के बारे में सब कुछ पता होता है। और अब एंट्स के अंदर और जितने भी यहाँ पर सर्कस के बक्स होते हैं, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो ग्रास होपर्स का सामना करके उन्हें भगा देते हैं। साथ ही होपर को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया जाता है और सर्कस की जो तोप होती है उसे उड़ाकर यहाँ से दूर भेजने की तैयारी करते हैं। पर तभी यहाँ पर बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे एंट्स में अफरा तफरी मच जाती है। और यहाँ पर होपर को मौका मिल जाता है, वो अपने आप को आजाद करके फ्लिक को यहाँ से लेकर उड़ जाता है। हालांकि उसके बक्स साथी उसे छुड़ाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो उसका पीछा नहीं कर पाते। पर तभी यहाँ पर राजकुमारी डॉट आती है और उसे होपर के पंजों से छुड़ाकर नीचे ले आती है। और अब फ्लिक के माइंड में एक और आइडिया आता है और वो कहता है कि मुझे उसी बर्ड के घोंसले के पास जाना होगा जिसने डॉट के ऊपर और हमारे ऊपर हमला किया था। यहाँ पर होपर भी आ जाता है। फ्लिक उसे अपने जाल में फंसाने के लिए उस बर्ड के घोंसले की तरफ भागता है, पर जल्दी होपर उसे पकड़ लेता है। पर इससे पहले कि होपर उसे मारता, वो देखता है कि उसके ऊपर बर्ड है। पर होपर को लगता है कि ये भी पिछले बर्ड की तरह नकली बर्ड है, इसीलिए वो उस पर ध्यान नहीं देता और कहता है कि मैं तुम्हारी चाल समझ चुका हूं। और तभी वो बर्ड उसे पकड़कर अपने बच्चों को खिला देती है और इस तरह से होपर का अंत हो जाता है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि सब के सब फ्लिक को अब यहाँ का हीरो समझते हैं। प्रिंसेस एटा जो कि अब क्वीन बन चुकी है, फ्लिक और वो एक कपल है। साथ ही होपर का जो ब्रदर होता है, जो कि एक ग्रास होपर है, उसका नेचर बहुत फ्रेंडली होता है। वो कभी भी एंट्स पर हमला नहीं करना चाहता था, इसीलिए अब वो एंट्स का दोस्त बन चुका है। यहाँ पर होपर के ब्रदर को और कुछ एंट्स को सर्कस के बक्स के साथ उनके नए टूर पर भेजा जाता है ताकि उनकी मदद कर सके। और जहाँ पहले फ्लिक के एक्सपेरिमेंट्स को कोई भी तवज्जो नहीं देता था, अब उसके एक्सपेरिमेंट से, उसके नए नए इक्विपमेंट से यहाँ पर बहुत ज्यादा फायदा होता है और इस तरह से एंट कॉलोनी में खुशियां आ जाती है। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 1998 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.2। उम्मीद करते हैं कि ये एनिमेटेड कहानी आपको पसंद आई होगी।